कैंट पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को सरदार तिराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान नंदलाल शर्मा पुत्र समुन्दर निवासी शिवपुर पोस्ट रुद्रपुर थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर, दूसरा रामकृपाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी खरचौला नानकार थाना बाष्टी जनपद सिद्धार्थनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से 205.61 ग्राम डायजापाम पाउडर, 60,000 नगद, एक वैगनार कार बरामद किया गया है। सीओ कैंट ने बताया कि 29 जनवरी को सदावृक्ष तिवारी पुत्र शेषमणि तिवारी निवासी ग्राम महेशपुर थाना रुद्रपुर जिला देवरिया, जो कि हैदराबाद से आ रहे थे, उनके घर पर उनके बेटे की शादी थी। उनको देवरिया छोड़ने के नाम पर अपनी गाड़ी में बैठा कर कूड़ा घाट के पास उतार कर उनका सामान लेकर भाग गए थे, जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अभिनव मिश्रा, अरविंद यादव, कांस्टेबल अनिरुद्ध यादव, रोहित यादव, संदीप कुमार सहित दीपू कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा, ये एक गैंग जो यहाँ रेलवे स्टेशन से यात्रियों को बैठाता था और कहीं ले जाके उनको सुनसान जगह पे उनका सामान लूट कर उनको उतार देता था। ये 30 तारीख की एक घटना ऐसी हुई थी। इस संज्ञान में जैसे ही मामला आया, एसएसपी साहब और एसपी सिटी साहब ने मुझे और एसएचओ कैंट को निर्देशित किया था कि ये गैंग जो है कि खुलना चाहिए। इस पर एसएचओ कैंट के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई थी जो लगातार 30 तारीख से काम कर रही थी। उसी क्रम में आज सुबह जो है कि एसएचओ कैंट के नेतृत्व में टीम ने उस गैंग को सरदार तिराहा से पकड़ा है, जिसके पास से लूटे गए छीने गए 60,000 रुपये बरामद हुए हैं, जिसमें दो लोग गिरफ्तार हुए हैं जो सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, जिसमें नंदलाल शर्मा एक है और एक रामकृपाल शर्मा है। इनके पास से 205 ग्राम डायजापाम पाउडर भी मिला है, जो यात्रियों को कभी कभी नशीला पदार्थ खिलाकर भी लूट लेते थे, और जो गाड़ी इन्होंने ये घटना में प्रयुक्त करते थे वो गाड़ी भी बरामद हुई है। पूछताछ में जैसे ही और लोगों का पता चलता है, ये रेलवे स्टेशन पर जो है कि जैसे ही कोई ट्रेन आती थी वहाँ अपना खड़े रहते थे, कोई यात्री इनको जो है कि गाड़ी इनकी बुक कराता था तो उसको लेकर जाते थे रास्ते में जहाँ सुनसान स्थान मिलता था वहाँ इनका सामान छीन लेते थे और इनको उतार के भाग जाते थे। इन्होंने घटनाएं बताई, पहले दिल्ली में काम करते थे, ऑटो वहाँ चलाते थे तो वहाँ इस तरह की घटनाएं ये करते थे, और लखनऊ वगैरह में भी घटनाएं इन्होंने बताई है और इनसे पूछताछ अभी की जा रही है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तो यहाँ गोरखपुर में नहीं मिला है, आसपास के अन्य जिलों में पता कराया जा रहा है।